हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का भूगोल का जो एक नया चैप्टर जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और परीक्षा में काम आने वाला है। ज़्यादातर इसके अंदर जो है अब जो है नए पैटर्न के हिसाब से जो है डैम्स के बारे में जो है आपको पूछा जाएगा, यानी बांधों के बारे में पूछा जाएगा। और उसमें जो है हमने इस जो वीडियो के अंदर मैप वर्क को भी जो है शामिल किया है, और वो जो इम्पोर्टेंट जो मैप हैं वही शामिल किया है। बाकी डिलीटेड पोर्शन हमने जो है इस चैप्टर में नहीं लिया है, इसलिए बहुत आपको आसान होने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन, जल संसाधन चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 10th। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। अब ये जल संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम जब पूरा जब डिटेल में जब पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वाटर स्केसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल की कमी, जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और बारिश के पानी का संग्रहण करना। तो ये सब जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जल संसाधन क्या होता है, यानी जल है तो कल है, यानी बिना जल के कोई जो है काम नहीं हो सकता। जल जो है बहुत जरूरी है, जल हमारी जो है जीवन का जो है एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो यह जल संसाधन, यानी जैसे कि आपको बताया, संसाधन की हमने यह डेफिनेशन आपको इससे पहले भी जो बता रखी है, एक बार फिर सुन लीजिए। संसाधन वो सभी जो है वस्तुएं या वो सभी साधन जो कि जो है हमारी उपयोगिता को पूरा करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो जल संसाधन हो या मृदा संसाधन हो या जो है वायु संसाधन हो, ये सारे के सारे जो है संसाधन जो है हमारी आवश्यकताओं से जो है जुड़े हुए होते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो ये संसाधन जो है आपने पिछले उसके अंदर ये डिटेल के अंदर यह पढ़ा होगा, तो हमने जो है क्लियर कट बताया था कि संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए हम जो है इस चैप्टर को जो शुरू करते हैं। जल संसाधन की बात करेंगे सबसे पहले हम जो है, जल संसाधन क्या होता है, यानी जो है जल जो है हमारी आवश्यकताओं को, हमारी उपयोगिताओं को जो है पूरा करता है और हमारी जो है लाइफ के साथ जो है कनेक्टेड है। विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पेय यानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए। तो यानी ये जो पानी जो है हमें क्यों चाहिए, जो है पृथ्वी की जो सतह जो है उस पे जो है 3/4 भाग जो है पानी से जो ढका हुआ है, लेकिन इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मीठे पानी के लिए होता है, यानी जो है पीने योग्य होता है या जिसे हम कहते हैं साफ पानी होता है, जिसे हम उपयोग में लाया जा सकता है। और जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक ऐसा संसाधन है जो कि रिन्यू हो जाता है। अब ये नंबर वन ये देखिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल एटसेट्रा, 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी हमारा जो है जो 3/4 भाग जो है पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें जो है नदियां भी जो है शामिल हैं और बाकी जो है जितने भी ये तालाब हैं, झीलें हैं, वो सब जो है शामिल हैं। तो ये 3/4 भाग जो है पृथ्वी का जो है पानी से जो है घिरा हुआ है। बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब हम बात करेंगे पानी की क्वांटिटी की। 2.5% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, पृथ्वी पर कुल जल का जो है 2.5% जो है वो साफ पानी है। और यदि विश्व का 3/4 भाग जल से आच्छादित है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो ये कैसे कि विश्व भर के देश और क्षेत्र जल की कमी से पीड़ित हैं, यानी ये पानी की क्वांटिटी से जो है पीड़ित हैं। भारत में पृथ्वी
के कुल ताजे पानी का केवल 4% मिलता है। ये आप ये देख रहे हैं, इसमें ये लेक एंड रिवर, झीलें और नदियाँ वो 0.3% हैं। इसके बाद ग्राउंड वाटर एंड मॉइस्चर एंड स्वाम, भूजल और नमी और दलदल ये 30.8% है। ग्लेशियर और स्नो कवर, ग्लेशियर और ढके हुए बर्फ का आवरण वो तकरीबन 68.9% है। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि इस ये पाई डायग्राम के तरह आप ये देखेंगे जो ये जितना भी ये पानी 97.5% है, ये जो है सब का सारा का सारा पानी साल्टी वाटर है, यानी समुद्र का पानी है या जब पीने योग्य नहीं है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है पानी जो है सिर्फ पीने योग्य है 2.5%। अब हम बात करेंगे पानी की कमी, यानी ये पृथ्वी पे पानी की कमी, हम यह किस बात को जो कह रहे हैं कि ये पानी की कमी जो है क्या है, जबकि पानी तो यह चारों तरफ है, पानी तो यह सब तरफ है, लेकिन फिर पानी की कमी क्यों? पानी की कमी का मतलब पानी की कमी यह आमतौर पर कम वर्षा या सूखा प्रवण क्षेत्रों वाले क्षेत्रों से यह जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप ये चित्र ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो सूखा पड़ता और यहाँ की जो मिट्टी का जो है जो आकृति आपको यह दिखाई दे रही है बिल्कुल एकदम टूटी हुई और चटकी हुई यह दिखाई दे रही है। तो वाटर स्केसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद रीजंस हैविंग लो रेनफॉल और ड्राफ्ट प्रोन एरिया। अब हम बात करेंगे पानी की कमी का कारण क्या है, पानी पृथ्वी पे कम क्यों हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी आप देख रहे हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है हमको जो है ज्यादा से ज्यादा अनाज की आवश्यकता होती है। हम खेती के अंदर अनाज खेतों में अनाज उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, ताकि जो है हम एक बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जो है फीड कर सकें जो है। तो इस तरह जो है ये देख रहे हैं कि ये दूसरा कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जो है कृषि की जो क्षेत्र भी जो है जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी हम पानी का ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग जो है जो सामाजिक जो है समूह के बीच में भी पानी की असमान पहुंच जो है वो आपको ये दर्शाती है। तो अब ये देख रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो है हमने जो पानी को जो है गंदा कर दिया, गंदा हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो जब वो पानी भी जो पीने योग्य नहीं रहा तो पानी की तो कमी हो ही जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ गई, पानी की खपत बढ़ गई, तो जो है पानी की कमी तो होगी ही होगी। अब ये देख रहे हैं उसी के पास खेती भी है, खेती के साथ साथ जब खेती के अंदर हमें पानी की जरूरत होती है, और पानी जब जो है हम ज्यादा जो है इस्तेमाल करेंगे तो पानी की कमी ऑटोमेटिकली होगी ही। ये देखिएगा इसके अंदर जो है हम पानी का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी पानी को जो ज्यादा सर बहा रहे हैं कार को धोने के लिए, शावर बाथ लेने के लिए, इसके अंदर पानी सबसे ज्यादा खर्च होता है। इसके बाद अब ये दिख रहे हैं कि जो है यानी एक ग्रुप ऐसा है जिनको पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। ये देख रहे हैं पानी के लिए लाइन लगी हुई है, पीने के पानी की जो बहुत बड़ी किल्लत है। और दूसरी तरफ ये चित्र आप ये देख रहे हैं, इन्होंने जो है अपने घर के बाहर ही स्विमिंग पूल बना रखा है, यानी पानी ये भी साफ पानी का ही है, वो है इस्तेमाल है, लेकिन क्या जो है ये देख रहे हैं कि जो कितना जो अनइक्वल जो है एक्सेस है वाटर का, जो है एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी तरफ पानी जो है इस तरह जो है यूज हो रहा है स्विमिंग पूल के लिए। इसके बाद देखिए जो पानी जो है क्यों कम हो रहा है, जितनी भी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके साथ जो पोल्यूटेंट जो निकलते हैं वो जो है हमारी रिवर को, हमारे साफ पानी को जो है गंदा करते हैं। ये देख रहे हैं ये दूसरा चित्र भी कुछ ऐसा ही है, वेस्ट केमिकल बाय फैक्ट्री। इसके बाद है ये सीवर वेस्ट, सीवर से निकलने वाला जो कचरा गंदगी वो सब भी जो है हमारे साफ पानी के अंदर मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है जहां से हमें पानी की जो है प्राप्ति होती है। क्वालिटी ऑफ वाटर मेक्स वाटर स्केसिटी, इस तरह जो है पानी की जो क्वालिटी है वो जो है पानी की कमी को जो है शुरू करती है। तो अब तक आपको जो ये क्लियर हो गया होगा कि पानी की कमी क्यों है, सब तरफ पानी होने के बावजूद भी पानी कम क्यों है, ये जो है बिल्कुल आपको जो पिछले वीडियोस के अंदर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम पानी का संरक्षण क्यों करें, पानी को हम क्यों बचाएं, पानी को की हिफाजत हम क्यों करें,
इसके ये देखिए अलग अलग जो है आपको ये देख रहे हैं पॉइंट है, अपने आप को स्वास्थ्य के खतरे से बचाने के लिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो साफ पानी को जो हमें जब बचा कर रखना पड़ेगा अपने इस्तेमाल के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा यानी सभी को जो है भोजन प्राप्त हो, सभी को जो है अनाज मिले, इसकी जो है सुरक्षा के लिए भी हम पानी को जो है संरक्षित करेंगे। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी आजीविका की निरंतरता बनी रहे ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके बाद हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए भी हम जो है पानी को जो है बचाएंगे, पानी को संरक्षित करेंगे। तो ये जो है पानी को जो है कंजर्व हम क्यों करें, टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ एंड हैजर्ड, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी कंटिन्यूएशन ऑफ आउट आवर लाइवलीहुड, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। अब जो जल को संरक्षण करने के उपाय कौन कौन से हैं, नंबर वन भूजल की अधिकता ना करें, हम जो है जो जमीन का ग्राउंड वाटर को ज्यादा जो ना निकालें, बारिश के पानी का संग्रहण करें, जल प्रदूषित ना करें, जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाना, सिंचाई जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जो है यूज किए जा सकते हैं, डू नॉट ओवरथ्रो द ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डू नॉट पोल्यूट वाटर, adopting water conserving technique of irrigation, example drip irrigation and sprinkler etc. especially in dry areas. अब जो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डैम्स एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में बांध। ये देख रहे हैं ये एक जो है डैम का जो है आपको जो है डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, तो यानी ये जितने भी जो है बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं उनके अंदर बांध का जो है बहुत बड़ा एक जो है रोल होता है। इसके बाद देखेंगे ये बांधों का उपयोग क्या है, ये विद्युत उत्पादन में जो इस्तेमाल होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में जो यूज होते हैं, जलापूर्ति यानी वाटर वाटर की सप्लाई पूरी करते हैं, और मछली प्रजनन यानी फिश ब्रीडिंग के लिए भी जो है डैम्स का जो है यूज होता है, ये डैम्स के जो है यूज है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है बांधों की कमियां यानी जो है ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स, हमें जो है डैम्स को जो है बना करके नुकसान क्या क्या है, फायदा तो हमें पता चल गया, अब नुकसान की बात है, मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, जैसे कि ये चित्र आप ये देख रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके बाद दूसरा जो है रीजन, एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, जितने भी हमारे जो पानी के जो जंतु हैं उनकी लाइफ पे बहुत ही जो है खराब असर पड़ता है, जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये नंबर दो जो है रीजन। इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि होती है, जितने भी ये देख रहे हैं ये जितने भी हमारे ये जंगली जानवर हैं उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, ये सब बांधों के कारण ही होती है, जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं वहां पे ये सारे के सारे जो रीजन जो है ऑटोमेटिकली हमको जो देखने को मिलते हैं। इसके बाद यह देखिए अगला जो रीजन है, स्थानीय समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनता है, जहां पे यह डैम बनता है वहां के लोगों को जो हटा दिया जाता है, वहां को छोड़ करके जाने के लिए कहा जाता है, तो वो लोग विस्थापित होते हैं, कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी पानी नर्मदा जो है ये गुजरात के अंदर जो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया नर्मदा नदी के ऊपर, तो वहां पे जो है लोगों ने जो है अपने जो है समस्याओं को जो हल करने के लिए एक जो एनजीओ बनाई और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से ये एनजीओ बनाई, और इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है हिस्सा लिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी नर्मदा नदी को बचाने की मुहिम पे जो है ये इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन जिसने गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आदिवासी लोगों, किसानों, पर्यावरणियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, ये मूल रूप से पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था जो बांध के पानी के नीचे डूबे होंगे, हाल ही में इसने गरीब नागरिकों विशेष रूप से विस्थापितों लोगों को सरकार से पूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट
is a non-government organization NGO that mobilize tribal people, farmer, environment, and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. It originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the out-sea displacement people, and get full rehabilitation facility from the government. गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ये चार राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को कवर करते हुए भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी इलाके 9,490 गांवों और 173 कस्बों और राजस्थान 124 गांवों को में पानी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये जो है मल्टी जल प्रोजेक्ट, जो जितने भी जो डैम्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बात हो रही है। सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग फोर स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्राफ्ट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात 9,490 विलेजेस एंड 173 टाउन्स एंड राजस्थान 124 विलेजेस। इन आवश्यकताओं को ये जो है सरदार सरोवर डैम की सहायता से पूरा किया गया। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप ये देखिएगा, ये मैप वर्क की हम बात कर रहे हैं। ये भारत का जो मानचित्र आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसमें मेजर रिवर एंड डैम्स की ये बात हो रही है, यानी कौन से जो है डैम किस रिवर पे है, किस राज्य में है, ये आपको जो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। और ये टोटल ये कितने हैं, टोटल आठ हैं। आठ के अंदर ये सबसे ऊपर जो देखें तो ये आप जो ऊपर ये डैम का नाम है, ये राज्य का नाम है और ये नदी का नाम है जो है, यानी ये इसके अंदर जो है देख रहे हैं टोटल आठ। नंबर वन सलाल डैम जो है जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पे है, भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पे है, टेहरी उत्तराखंड भागीरथी नदी पे है, राणा प्रताप सागर राजस्थान चंबल नदी पे है, सरदार सरोवर गुजरात नर्मदा नदी पे है, हीराकुड ओडिशा महानदी नदी पे है। नंबर सेवन नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है और ये कृष्णा नदी पे है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे ही स्थित है। तो ये अब आप ये देखिएगा इनके प्लॉटिंग का आप जो है बिल्कुल बताता हूँ मैं, ये प्लॉटिंग आपको कैसे करनी है और ये कैसे जो है आप जो समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, ये आठ जो है डैम जो है बिल्कुल अच्छे से जो है याद कर लीजिए, समझ लीजिए और जो उनको जो है प्रयास कीजिए कि आपको जो है कैसे प्लॉटिंग करना है। लेकिन प्लॉटिंग करने का जो तरीका वो ये है कि जो है आप डैम्स की जो पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम ऊपर से चलते हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है मानचित्र के अंदर ये हिस्सा। तो और ये जो डैम जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये सलाल डैम जो है ये जो है यहाँ पे है। तो ये सलाल डैम जो की ये पोजीशन है, ये समझ लीजिए ये डॉट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये डॉट जो है कि ये आपको जो सलाल डैम है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ये देखिए ये जो आपको ये अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये आपको जो है सलाल डैम जो है दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ये डॉट जो है ये सलाल डैम है। और इसी के नीचे जो है देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और अब आपको जो दूसरा जो मैं बताता हूँ जो है दूसरा डैम है हमारा भाखड़ा डंगल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अब आप ये देखेंगे ये जो है ब्यास नदी पे है भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक है। आप जो नीचे देखिएगा ये ब्यास जो है नदी पे जो है आपको जो है ये डैम जो दिखाई दे रहा है, ये दिख रही है, ये देखिए। फिर दोबारा मैं आपको जो वो करता हूँ इसको जो है ये हटा करके ये देखिए ये आपका भाखड़ा नंगल डैम है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो ये इसके स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। इसके बाद जो है अगला जो डैम है आपका टिहरी डैम जो है ये उत्तराखंड के अंदर है और भागीरथी जो रिवर पे है जो है, ये देख रहे हैं ये वाला जो है ये आपका टिहरी
तो अब आप यह देख रहे हैं कि ये तीन डैम आपको जब बिल्कुल ये एक एक साथ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है, ये आपका जो है ये टिहरी डैम जो है, और ये सब ये आपको जो है रिवर्स के भी जो नाम होंगे बिल्कुल। अब ये आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नंबर थ्री ये डैम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है ये आप ये देख रहे हैं कि ये राणा प्रताप सागर जैसा कि नाम से ही है आपको यह दिखाई दे रहा है कि राणा लोग जो है कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। तो ये जो है आपको जो है राणा प्रताप सागर जो है ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जो है ये वाला जो है राणा प्रताप सागर है ये। और ये राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पे है, जो चंबल नदी जो है यहाँ से ये निकलती है और जो है इसके बाद आगे जो पहुंचती है। इसके बाद है अगला डैम है हमारा सरदार सरोवर जो गुजरात के अंदर है, और ये गुजरात जो है अब ये देख रहे हैं ये आप ये देखिए बिल्कुल ये टेक सरदार सरोवर बिल्कुल क्लियर है आपको जो है ये डॉट जो है ये गुजरात में जो है सरदार सरोवर जो है डैम है, इनको अच्छी तरह लोकेट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो अगला डैम है नंबर छः हमारा हीराकुंड डैम है जो कि ओडिशा में है, और ओडिशा में जो है ये जो है उड़ीसा की ये पोजीशन आपको जो दिखाई दे रही है, और ये आपका जो है ये आप देखिए ये हीराकुंड डैम है, और ये किस पे है आप जो है महानदी पे है। नदियों का नाम भी आपको जो ये मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आपके जो सवाल आ सकते हैं, आपको जो अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर सेवन है नागार्जुन सागर, ये एपी यानी और तेलंगाना ये कृष्ण पे जो है दो राज्य आप जो बन गए उसमें जो है ये वाले जो है आप जो नागार्जुन सागर जो है कर सकते हैं इसको जो है। ये देखिए ये आपको क्लियर हो गया नागार्जुन सागर यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर। तेलंगाना एक नया राज्य बना, आंध्र प्रदेश पुराना राज्य जो था ही, तो उनके ये बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है, और जो ये जो है कृष्णा रिवर पे है। इसके बाद है तुंगभद्रा रिवर पे ही यह तुंगभद्रा बॉन्ड है, और ये कर्नाटक के अंदर है जो है। ये देखिए कर्नाटक में है ये, आप बिल्कुल अच्छे से जो देखिएगा। तो इस तरह ये टोटल जो है कितने मैप वर्क के अंदर ये डैम और रिवर जो है ये आपको क्लियर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हैं, 8 को ही आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी और भी आप जो जानकारी के हिसाब से जो है याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो जो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो है हम जो है इसके अंदर मैप वर्क के अंदर हमें क्या क्या यह ध्यान रखना है इस चैप्टर से। अगले टॉपिक की बात करते हैं बारिश के पानी का संग्रहण, यानी जहां पानी गिरे पानी को बचाने के लिए बारिश का पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव द वाटर वेयर इट फॉल्स। जैसे ये देख रहे हैं ना ये एक आपको जो छोटा सा जो चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पानी यहाँ पे जो है छत पे गिरा, इधर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, और ये पाइपलाइन जो है देख रहे हैं इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से कनेक्टेड होकर के एक ये टंकी के तरह आ रही है, और इधर ये छत पे जो गिरे हुए पानी के से जो है ये देख रहे हैं ये पाइपलाइन जुड़ी हुई है, ये यहाँ से जो कनेक्ट हो रही है, और इससे जो है ये हम जो है पानी को या निकालने को ये के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो जो है ये जो है अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है वो वह चित्र। अब हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तकनीक कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन से हैं। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टाइज टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल। पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल टू इरीगेट देयर फील्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एग्रीकल्चर फील्ड वर कवर्ड इन टू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट फॉलोड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल लाइक द खादींस एंड जैसलमेर एंड जोहोड़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। ये कुल्स ये नाम का जो चित्र आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये टेक्निक ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ पानी इकट्ठा किया गया और ये इसके बाद जो है वाटर रिजर्वायर के जरिए जो है
पानी को जो है यूज करने का वो है। ये जो है हिमालयन रीजन का जो है चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये रेड वाटर हार्वेस्टिंग को जो है कर लेते हुए जो है किसी ने जो है ये चित्र ये किया। इसमें देख रहे हैं ये छतरी के ऊपर जो है उन्होंने एक जो टैप लगा दिया, पानी इसमें भरा हुआ, उसके बाद टैप से हम जो है पानी को यूज करते हैं। ये एक कार्टून की बात है। एक और ये देख रहे हैं बारिश का पानी छत के ऊपर गिरा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, इसने जो टंकी को भरा और इसने पेड़ पौधों को जो है पानी मिल गया। तो जो है ये भी एक जो है वो है टेक्निक। तो ये इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। दे आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। यानी जो है तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले जो रूफ टॉप जो है वाटर हार्वेस्टिंग शुरू हुई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है को कंपल्सरी कर दिया गया। हर घर को जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही मकान बनाने पड़ेंगे। इसके बाद रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग और मेघालय के अंदर भी है। शिलोंग में अब कह रहे हैं कि वहाँ पे शिलोंग और मेघालय के अंदर बारिश होती है सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी पानी के पीने के पानी की कमी, साफ पानी की कमी। तो इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापुंजी एंड द मनिसराम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज ए रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। नियरली 15-25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ये देख रहे कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन द सेमी एरिड रीजन राजस्थान पर्टिकुलरली बीकानेर फलोड़ी एंड बामर ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडिशनल नी हेड अंडरग्राउंड टैंक्स और टांका फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। द टैंक्स कुड बी एज ए लार्ज बिग रूम। वन हाउस होल्ड इन फलोड़ी हैड ए टैंक दैट वॉज 6.5 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड। द टांका वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड। अब इसके बाद बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये मेघालय के अंदर है, 200 साल पुराना जो है ये सिस्टम। टैपिंग स्ट्रीम है एंड स्प्रिंग वाटर बाई यूजिंग बेम्बू पाइप। बेम्बू के जो है पाइप एज ए पाइप यूज किया जाता है। प्रिवेंट अबाउट 18-20 लीटर ऑफ वाटर एंटायर ऑफ द बेम्बू पाइप सिस्टम गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 ऑफ मीटर एंड फाइनली रिड्यूस द 20-80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट। इसके बाद ये देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो बेम्बू के जो आप ये चित्र देख रहे हैं, बेम्बू को जो एज ए पाइप जो यूज किया जा रहा है। एक पाइप यहाँ से आया, इसने पाइप ने आगे जो है पानी को जो है बढ़ा दिया। इसके बाद आप यह देखिए हिंदी के अंदर जो है स्टूडेंट के लिए, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया और चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए कानून का भी प्रावधान किया। यानी जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कभी, और इसके अंदर अक्सर परीक्षा के अंदर आने वाले सवालों में होता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने सभी घरों में जो छत पर वर्षा जल संचयन को जो है कंपलसरी किया। तो आप ये तमिलनाडु राज्य का नाम लिख सकते हैं। मेघालय के शिलोंग में छत पर वर्षा जल संचयन सबसे आम प्रथा है। यह दिलचस्प है क्योंकि चेरापुंजी और मोसिनराम 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिलोंग से दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर भी राज्य की राजधानी शिलोंग में पानी की भारी कमी। शहर के लगभग हर घर में छत पर वर्षा जल संचयन की संरचना है। जल की कुल पानी की आवश्यकता का लगभग 15-25% छत पर जल संचयन से जाता है। राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर फलोदी बाड़मेर में लगभग सभी घरों में पारंपरिक रूप से पीने के पानी के भंडार के लिए भूमिगत टैंक और टांकियां थी। टैंक एक बड़े कमरे में जितना बड़ा हो सकता था। फलोदी के एक घर में तो एक टैंक ऐसा था जो है जो 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा। टांका अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा था और मुख्य घर या आंगन के अंदर बनाए जाते थे। ये टांका जो कहाँ बनाए जाते थे, घर के आंगन में या जो है घर के अंदर।
बांस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने के पानी के दोहन की 200 साल पुरानी प्रणाली प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइपलाइन पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है और सैकड़ों मीटर से अधिक ले जाया जाता है और अंत में संयंत्र के स्थल पर 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक काम कम हो जाता है। इस चैप्टर के हमने सारे पॉइंट जो है बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिए हैं। अब आपको जो बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जल संसाधन क्या होता है, पानी की कमी कैसे होती है और बारिश के पानी को, वर्षा के पानी को हम कैसे संग्रहित करके उसको बचा करके उसको जो स्टोर कर सकते हैं और अपने उपयोग में जो ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट जिसके अंदर आपको जो है परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इस क्वेरी को भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपनी क्वेरी को जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी क्वेरी दूर की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।